किस तरह का किरदार आपने बताया? मैं फिल्म का खलनायक हूँ, दिवाकर नाम है इस कैरेक्टर का। बहुत ही जमीन से उठा हुआ आदमी है, बहुत ही मनोकांक्षी है। जब उसको ऊंचाइयों पर उठना चाहता है, जब उसके सामने ये चॉइस आती है कि उसको क्या करना चाहिए, तो वो पॉलिटिक्स अपनाता है। तो एक साधारण कार्यकर्ता बनता है, उसके बाद साधारण कार्यकर्ता से अपनी मेहनत से वो एमएलए बनता है। फिर एमएलए बनने के बाद जब वो पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, जैसे आदमी अब ऊंचाइयां हासिल करता है, क्या क्या हथकंडे वो अपनाता है, ये सब जब वो देखता है, तो उसके मन में भी जिज्ञासा होती है कि मैं भी क्यों ना इस तरह के साम दाम दंड भेद हर तरह के तरीके अपनाऊं और ऊंचाइयां हासिल करूं पॉलिटिक्स में। तो फिर ये जिस तरह से एक चेस प्लेयर होता है, कौन सा मोहरा कब चलना है, किसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इस तरह से जर्नलिस्ट का बहुत इस्तेमाल करता है, जर्नलिस्ट का इस्तेमाल करता है, लड़कियों का इस्तेमाल करता है, और फाइनली वो चीफ मिनिस्टर बनता है। ये इसकी पूरी जर्नी है इस कैरेक्टर। मतलब बेसिकली हमने देखा आप हमेशा विलन का किरदार निभाना पसंद करते हैं। हाँ, उसके पीछे वजह है कि मैं हमेशा फर्स्ट रो में रहना चाहता था, और फर्स्ट रो में हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन और विलन सिर्फ ये तीन ही कैरेक्टर्स होते हैं जो फर्स्ट रो के होते हैं। बाकी जो और दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो एक फिलर्स के तौर पर फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं। सो इस वजह से मैंने बाई चॉइस खलनायक की अपनाई है। मैं रियल लाइफ में खलनायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उल्टा हूँ। ये तो वो बताएंगे जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कि मैं कैसा हूँ। बहरहाल रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। जब भी आप सिलेक्ट करने जाते हो, आपको विलन कहीं मैं ऑडिशन में जाता नहीं सिलेक्ट होने के लिए, लोग मुझे बुलाते हैं खलनायक ही कराने के लिए, ऐसा है। ठीक है, ओके। इनफैक्ट मैं पेशे से भी लॉयर हूँ, और ये डायरेक्टर जो है शैलेश जी, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि सब कुछ एक रियल लगना चाहिए, और उन्होंने स्क्रिप्ट भी बताई, स्क्रिप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग थी और एक जर्नलिस्ट के बारे में थी। मुझे जर्नलिस्ट लोगों से बहुत मीन्स प्यार है। इनफैक्ट 2009 से आप लोग मुझे भी कवर कर रहे हैं मीडिया में, इसलिए मुझे आपकी और जो लगन है उस लगन की वजह से मैंने चॉइस की। आपके बहुत सारे दोस्त हैं मीडिया वाले, इसी वजह से। एक्सपीरियंस एकदम फैंटेस्टिक रहा। मैं ये कहूँगा कि सारे अपने देशवासी ये पिक्चर को देखे कि अंदरूनी एक जर्नलिस्ट की लाइफ कैसी रहती है, उसको कैसा झगड़ना पड़ता है, उसको कौन कौन सी चीज़ों से, कौन कौन सी डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है। जीडी फिल्म में पहले से मैंने आपको अभी बताया कि ये जर्नलिस्ट के बारे में, ये मेरा फर्स्ट क्रश है कि जर्नलिस्ट के बारे में, इसलिए मैं कि बस ज़्यादा कोई ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि मैं ऊपर। सर सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार कर रहे हैं, क्या है, क्या सीन उसके बारे में? इस मूवी में मैं जीडी ही प्ले कर रहा हूँ, जो है जय द्विवेदी, जो एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी लाइफ शुरू करता है, और उसका हमेशा मिशन ये होता है कि वो जर्नलिज्म के थ्रू समाज में बदलाव लाए, जो गलत चीज़ें उनको बाहर निकाल के उसका पर्दाफाश करे। लेकिन उसको करते वक्त जिन चीज़ों से वो गुजरेगा, वो क्या उसको बदल पाएंगे या वो समाज को बदल पाएगा, क्या वो समाज को बदल पाएगा, आई थिंक ये सारी स्टोरीज के बारे में। आपका किस तरह का किरदार है? मेरा किरदार है मैलिनी का, जो मैलिनी भी एक जर्नलिस्ट है जो जेडी के ऑफिस में जॉब करती है, और उसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते हैं, देन उसे प्रमोशंस भी मिलता है, देन उसके दिमाग में जो भी प्लान्स बनते हैं या कहीं से आते हैं, जो भी हो आप फिल्म में देखोगे, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड आई एम लविंग इट। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी फर्स्ट फिल्म में आमतौर पर एक्टर सोचता है कि फर्स्ट फिल्म को रोमांटिक कोई फिल्म मिले, आपका इस
तरह की रियल लाइफ बेस्ड फिल्म, तो कोई खास तैयारी की आपने? नो नॉट रियली, आई मीन एज एन एक्टर मेरे ख्याल से कभी एक्टर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये चीज़ करूँगा या वो चीज़ करूँगा. एज एन एक्टर आपके पास कुछ भी आ सकता है और यू शुड बी ओपन कि आप किसी भी तरह के रोल को चैलेंज कर लें. तैयारी की बात रही, आई थिंक हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं शैलेंद्र पांडे जी, वो खुद इस इंडस्ट्री से हैं, जर्नलिज्म इंडस्ट्री काफ़ी साल उन्होंने दिए, तो उनका एक्सपीरियंस हमारे बहुत कम है. यू नो, चीज़ों की गहराइयाँ इस इंडस्ट्री में किस तरह से चीज़ें होती हैं, जर्नलिज्म कैसे काम करता है, चैलेंजेस क्या आते हैं, आई थिंक काफ़ी चीज़ें उनसे हमें पता लगी, सारी चीज़ें सीखने भी मिलती है. जी जी, आपकी आपका फर्स्ट फिल्म आपका करेगा? ये वैसे मेरा फर्स्ट फिल्म नहीं है, इससे पहले मैंने फिल्म की है, बट ये मेरे लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस है बिकॉज मैं ज़्यादा बात नहीं करती और इस फिल्म में मुझे काफ़ी सारे डायलॉग्स मिले हैं जहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट्स भी करने हैं, फिर गेम प्लान्स करने हैं, बहुत कुछ करना है. सो मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीख सकती हूँ. एंड ऑब्वियसली हमारी टीम भी बहुत सपोर्टिव है, जेडी सर. वेल, आई थिंक इसमें दो तीन सॉन्ग्स हैं, सिचुएशन सॉन्ग्स हैं, बट आई थिंक बहुत डिसेंट, काफ़ी अच्छे सॉन्ग हैं. बट इस मूवी की मेजर बात रहेगी इसकी स्टोरी, जैसे कि हमने पहले इन्होंने भी मैंशन किया, स्टोरी लाइन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी, जो हमेशा आपको हाईलाइट करेगी कि जर्नलिज्म के अंदर जितने भी चैलेंजेस और फाइट्स जितनी आ रही हैं. वो म्यूजिक इज गोना बी क्वाइट डीसेंट, व्हिच इज गोना बी गुड. जेडी का किरदार करे तो उनके जो उनका रियल लाइफ में, जैसे तो उनको बारीकी से देखा होगा आपने, अब डायरेक्टर ने इसके लिए आपको हेल्प किया आपका? हाँ, आई मीन जितना एज एन एक्टर मैं तैयारी कर सकता हूँ अपनी तरफ से वो किया है. इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया. आई थिंक उस चीज़ से हमें बहुत फर्क पड़ा. अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? वेल, हम यही कहना चाहेंगे कि आई थिंक यू शुड definitely go and watch this movie. I'm sure you're going to like it. Different. Yeah, you're definitely going to like this movie. Sure. Thank you, sir. Thanks very much. डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे आप जेडी फिल्म, तो कैसे आपने इन सब किरदार को सोच के रखा और बना दिया? ये फिल्म मैंने देखी है, बेसिकली कह सकते हैं मेरी, मतलब ये जिया है मैंने इसको. ये मीडिया पे जो घटनाएं मैंने आसपास देखी हैं, चीजें हैं, देखा है कुछ, तो एक विचार आया कि इस पर फिल्म बनाते हैं. तो इसका रियलिटी से कोई नाता नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन के आधार पर एक कहानी बनाई है कि ऐसा ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, ये ऐसे करके एक कहानी का रूप दिया है मैंने, जिसमें कि एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी के सारे पहलू दिखाए जाए. हाँ, ऑडिशन उसमें बहुत कम किए मैंने, लेकिन उसकी अब जैसे ऑडिशन नहीं, बहुत कम हुए, ना के बराबर. और रियल लाइफ में होता क्या है ना कि शूट करना मुश्किल होता है, क्योंकि कैमरे के सामने कैमरा कॉन्शियस लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज मज़ा आता है. अब जज साहब आए, देखा, मज़ा आ गया पूरा. पहली बार शायद हुआ कि जेट प्रेस सिक्योरिटी में जज साहब आए और शूट करके सारी एक बस. ये तो ट्राई कर रहा हूँ मैं कि एक अच्छे से काम किया जाए और लोगों को कुछ नया दिया जाए. रियल लाइफ जो करेक्टर देने का मेरा प्लान ये भी है कि जैसे जज हैं, अब जस्टिस कोड़े साहब हैं, इतने फैसले दिए, इतने साल हो गए इनको, लोग इनसे एक्टिंग करना सीखे. एक्टर क्या होता है कि लोग, मान लो कोई टीचर है, अब उसको डॉक्टर की एक्टिंग करनी है, अगर डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर की एक्टिंग करनी पड़ेगी. टीचर जो सालों से है या डॉक्टर जो सालों से, उसको एक्टिंग क्या करनी, एक्टर उससे एक्टिंग करना सीखे ना. तो जज साहब से एक्टिंग क्या, वो तो जब रियल में आएंगे तो जो बोलेंगे उनसे एक्टिंग, वो उनसे बड़ा एक्टर कौन है, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो है रियल है. सॉन्ग इसमें 6 सॉन्ग्स हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो सारे गाने, सब कुछ है, सब कुछ, अल्ट्रा मॉडर्न सॉन्ग से लेकर के, इसमें हमने एक नौटंकी रखी है, कानपुर की जो फेमस नौटंकी है, उन्हीं के रियल करेक्टर्स को बुलाया है, वो भी रियल है. उसमें जो नाचने वाली लड़कियां हैं वो भी रियल हैं, जिन्होंने गाया है वो भी रियल हैं, जो म्यूजिशियन हैं वो भी रियल हैं. लखनऊ में किया था इसको, लखनऊ में शूट किया था इसको. वो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल क्लास है वो, रियल नौटंकी आपको दिखेगी. फिल्म मतलब स्टार्ट से एंड तक क्या मैसेज देगा ऑडियंस को आपके? बेसिकली इसको बहुत मैसेज के लिहाज से मैंने नहीं बनाया, जस्ट एक मैसेज क्या है ये तो आप लोग देख लें फिल्म देख के. मैंने मैसेज सोच के नहीं बनाया, लेकिन ये जरूर सोचा है कि एक जो करंट अफेयर्स फिल्म है, ये देख के बहुत सारी चीज़ों को जानकारी मिलेगी, क्या कैसे होता है रियल लाइफ में. रियल लाइफ
आपका फिल्म है कि आज के जनरेशन का फिल्म है? आज के जनरेशन का ही रियल लाइफ फिल्म कह सकते हैं आपकी, आज जर्नलिस्ट कैसे हैं। एक कहानी करीब 10-12 साल की है, तो पहले से लेके अभी तक क्या परिवर्तन आया, क्या चीज़ें हैं न्यूज़ में, चीज़ों में, वो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको। व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे आप जेडी? इस फिल्म को देखने के बाद प्रिंट मीडिया के बारे में जानने के लिए और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ कैसे छपता है, क्या होता है, क्या बहुत कुछ देखने को मिलेगा।